ओम शांति। आज हम सभी महाकाली का दर्शन कर रहे हैं। आज नवरात्रि का सप्तम दिवस महाकाल रात्रि का दिन है। माँ जिनका बड़ा ही विशाल स्वरूप है, जो दिखने में थोड़ा भयावह है, वास्तव में माँ का स्वरूप करुणामय भी है। वो अपने भक्तों पर कृपा करती है, लेकिन जब बुराइयां बढ़ जाए तब माँ को इस स्वरूप को धारण करना होता है। और माँ ने ये स्वरूप धारण किया और रक्त बीज का अंत किया। रक्त बीज एक ऐसा असुर जो मरता ही ना था। यदि एक बूंद भी रक्त की गिर जाए नीचे, ऐसे अनेकों रक्त बीज पैदा हो जाया करते थे। ऐसे असुर का अंत करने के लिए माँ ने एक पात्र लिया और उसके लहू का पान कर दी गई। अंततः रक्त बीज समाप्त हुआ। ये रक्त बीज क्या है, आइए हम समझते हैं। रक्त बीज बुराई है जो दिनों दिन दिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक बुरी आदत और बड़ी हो जाती है। ऐसे ही रक्त बीज विकारों का प्रतीक है। जैसे यदि किसी पात्र में शुद्ध चीज रखी गई है, लेकिन यदि उसमें एक बूंद विष की गिर जाए तो वो पूरा वैशेली हो जाएगी। इसी तरह से किसी एक व्यक्ति के अंदर बुराई है, लेकिन जो भी उसके संपर्क में आता है, कुछ ना कुछ वो बुरे अवगुण आसपास के वातावरण में भी फैलने लगते हैं और ऐसा ही एक वातावरण बन जाता है। ये विशाल रूप ले लेता है। और बस यही तो बुराई है, यही तो रक्त बीज है। इसका अंत माँ काली ने किया और इस धरती पर असुरों को समाप्त करने का विशेष कार्य किया। आइए हम महाकाली के दिव्य स्वरूप का नमन करते हुए उनके दिव्य गुणों को अपने जीवन में लेकर आएं। हम भी अपने अंदर की बुराइयों का अंत करें, ना कि ये बुराइयां और फैले और इस संसार की स्थिति दुखमय बनती जाए। माँ की तरह तीसरा नेत्र धारण करें। ये दूरदर्शिता का नेत्र है, ये त्रिकालदर्शीपन का नेत्र है, जो तीनों कालों को समझकर कार्य करती हैं। हम भी किसी भी घटनाओं में परेशान ना हो, आदि मध्य अंत को समझें और धैर्य धारण करके रखें, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसी अनेकानेक प्रेरणाएं देने वाला माँ का स्वरूप है। हम माँ का गुणगान करते हुए उनके गुणों को भी अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को हम बुराइयों से मुक्त करें। ओम शांति। जय महाकाली।